हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ हमें आसानी से चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं या फिर जब रात होती है तो हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश वह है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बन जाएगी? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न कर देखने में सहायता करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है या फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, और ये परावर्तन शब्द क्या है, इसको अगर आप समझ लोगे तो प्रकाश का परावर्तन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो अभी हमारे पास एक दर्पण है और कुछ चमकदार सतह वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक ये प्लेट ले रखी है, और हम देखेंगे कि इन पर लाइट किस तरीके से, प्रकाश किस तरीके से इनसे टकरा के वापस लौटता है, क्या लौटता है या फिर नहीं लौटता है। तो आइए हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमारे सामने एक टार्च रखी हुई है और इस टार्च का इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये टार्च हमने कहाँ पर मारी है भाई? दर्पण पे। लेकिन इसकी जो लाइट है वो दर्पण से टकरा के कहाँ पे जा रही है? छत पे है या दीवार पे है? अब देखो कहाँ गई? दीवार पे गई ना। इसका मतलब ये है कि जितना मैं नीचे की तरफ टार्च लेके जा रहा हूँ तो उसका जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो भी परावर्तित प्रकाश भी नीचे की तरफ जा रहा है ना। मेरी टार्च नीचे गई तो वो जो इसका परावर्तित प्रकाश है वो भी नीचे की तरफ गया। अगर मैं टार्च को ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये तो था दर्पण से परावर्तन। अब हम लोग देखते हैं, कोई भी चमकदार सतह होगी, आप चमकीली पन्नी भी ले सकते हो। जैसे इससे देखो, मैंने यहाँ प्रकाश मारा और प्रकाश कहाँ, अभी देखो कहाँ है, छत पे है ना ये, अब नीचे की तरफ जाएगा, दिख रहा? कहाँ पे गया? उधर है, दीवार पे भी नहीं पहुँचा, पहुँचा, दिख रहा है। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, हमने दर्पण पर टार्च की रोशनी मारी थी और वो रोशनी टकरा करके दर्पण से वापस लौटी थी, दीवार पर गई थी। तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से वो जो प्रकाश किरण है वो कितने कोण पर दर्पण पर गिरी थी और कितने कोण से वो वापस लौटी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे परावर्तन के इस चैप्टर में। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हमने एक सतह बनाई हुई है जिसे हम परावर्तक सतह कह रहे हैं। ये परावर्तक सतह है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो चमकदार होनी चाहिए या फिर वो कोई दर्पण हो। दर्पण भी जो होता है वो पीछे की साइड से कांच को पॉलिश किया गया होता है, तो पॉलिश की हुई कोई भी सतह होगी या फिर चमकदार सतह होगी तो उसको हम परावर्तक सतह कह देंगे। परावर्तक सतह वही होगी जो प्रकाश को वापस लौटा सकती है। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में, जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर गिरता है, क्योंकि ये परावर्तक सतह पर गिरने वाला ये प्रकाश है, ये आकर गिरा है, इसीलिए इसको कहते हैं आपतित प्रकाश। क्या कहते हैं? आपतित, आपतित, पतित माने गिरना, आपतित आके गिरी, तो ये आपतित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? आपतित प्रकाश। अब ये परावर्तक सतह है तो ये क्या करेगी, इस प्रकाश को वापस लौटा देगी। जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में इस प्रकाश को वापस लौटा दिया, ये इसको पार करके जा नहीं पाया। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी परावर्तक सतह से प्रकाश का टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जहां पर प्रकाश गिरा हुआ है, इस बिंदु को अगर हम ओ मान लेते हैं और इसी ओ बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं जो कि एक काल्पनिक रेखा होगी, तो क्या होगा? अगर हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया है, ये कितने डिग्री पर रहेगा भाई? 90 डिग्री पर। इसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक, काल्पनिक अभिलंब है। क्या है ये?
अभिलंब। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम अध्ययन करने के लिए इस अभिलंब को खींच लिया जाता है। अब देखो ये प्रकाश आकर गिरा था, इसीलिए इसे आपतित प्रकाश कह देते हैं, और जो ये परावर्तित होकर वापस लौटा है तो इसे कह देते हैं परावर्तित प्रकाश। कैसा प्रकाश? परावर्तित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है? परावर्तित प्रकाश। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंसिडेंट रेज, कह सकते रेज मतलब किरण, ठीक है। ये कौन सी किरण है? इंसिडेंट रेज। और ये है कौन सी? ये रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तित हुई है, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे जो अभिलंब है उससे ये कुछ कोण बना रही हैं, ये आपतित प्रकाश भी कोण बना रही है और ये परावर्तित प्रकाश भी कोण बना रही है। देखो यहाँ पर एक कोना बन रहा है ना, ये इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित प्रकाश के द्वारा बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला परावर्तित प्रकाश के द्वारा बना हुआ है ये कोण इधर का, तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण? ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। दो कोण बन गए ना इसमें। इंग्लिश में इसको कह देंगे इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। और इसे कह देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको जो डिनोट करते हैं वो एक चिन्ह होता है, इंसिडेंट एंगल में देखो पहला अक्षर आई है ना, इसलिए इसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं? इस वाले कोण को आई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल आर। जो हुआ है प्रकाश का उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आपतन कोण होगा, यहाँ का जो कोण होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। इसका मतलब क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव, परावर्तन कोण के सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है, बराबर होता है। दूसरा क्या नियम है भाई? जो दूसरा नियम है उसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्होंने बताया था, और उस नियम में क्या बातें हैं उसको हम वहाँ पे लिखते हैं। पहले उस नियम को समझ लो कि ये ईटा है, क्या है? एक सिंबल होता है, ईटा बोलते हैं, कुछ लोग नीटा बोलते हैं। ईटा जो होता है वो बराबर होता है साइन आई, आई मतलब आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, अपॉन साइन आर, आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आई इसके साथ वाला आई नहीं है, ठीक है। अब इसको समझो ये है क्या, जहाँ पर ईटा जो है इसको कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक नियतांक है, और इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे हम समझते हैं स्नेल का नियम कैसे आया है, कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं इसी साइन को, साइन थीटा जो कि साइन एंगल होता है, कि ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, ज्या हिंदी है, साइन उसको इंग्लिश में कहते हैं, का अनुपात नियत होता है, नियत मतलब नियतांक होता है, नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक
कहते हैं। यही है स्नेल का नियम। किसका नियम है? स्नेल का नियम, बिल्कुल इसी से है। आप इसको याद करोगे, देखो आपतन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या, बटे में लिखा ना, तो अनुपात समझो, का अनुपात एक नियत होता है या नियतांक। ये नियतांक है, क्या है ये नियतांक है। जब कोई चीज एग्जैक्ट किसी के बराबर नहीं होती है वहां पर नियतांक लगा देते हैं। का क्या होता है? नियतांक है, और इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बात? तो ये था स्नेल का नियम और प्रकाश का परावर्तन, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।